जो पहले दिखाए थे आपने। वाह जी धुएं पे धुआं उड़ा रहे हो आप। एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ हम आपको लेके आए हिमाचल की सर्द वादियों में, और यहाँ पे एक मैडम हमारे बड़ा संघर्ष करते हुए। और नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? आपका शुभ नाम? लीला देवी। अच्छा, मैंने देखा ये यहाँ और भी लोग हैं यहाँ पे इतने सारे, लेकिन भीड़ आपके पास यहाँ पे खा के निकल चुके हैं जी। क्या बात, क्या स्वाद डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं आप ऐसा? हाँ जी दिखाएं जरा, इसमें क्या क्या चीज है जी? वाह जी शानदार शानदार जी। ये मोमोज है, और ये क्या जी? ये बड़ा मोमोज सिड्डू है जी। सिड्डू में क्या, कौन सा? नमकीन मीठा? नमकीन है। तो क्या क्या डालते हैं जी इसमें? सिड्डू में अखरोट है, ड्राई फ्रूट है, दाल है। ड्राई फ्रूट इतना कुछ डालते हैं, कितने का जी एक सिड्डू? एक सिड्डू 100 का है जी। 100 का है, 100 का एक सिड्डू। साथ में क्या मिलता है इसके? चटनी मिलती है। चटनी किस चीज की चटनी होती है? हरी होती है। हाँ जी टमाटर की चटनी। अच्छा दिखा दे दिखा दे जी, ये खुद बनाई है जी आपने? खुद बनाई है। शानदार जी। और ये स्टोव ऐसे चलता रहता पूरा दिन? हाँ जी स्टोव ऐसे चलता रहता। तो कब बंद होता है ये स्टोव? शाम को ही। शाम को? अच्छा, तो यानी गर्म होता रहता है। तो कितने पीसेस बना लेते हैं दिन के? कितने आप मोमोज ले आते हैं, कितने सिड्डू ले आते हैं आप? थोड़े थोड़े। हाँ जी थोड़ा, कितना फिर भी आइडिया? कितना? 100, 500, 600, 1000? कितना? यानी आप इतने बिजी रोड में बैठे हैं, भारत के हर कोने से आ रहे हैं यहाँ पे लोग, तो आप यहाँ पे 400-500 मोमोज तो बेचते ही होंगे? इतने काम भी जाते, इतने भी। अच्छा नीचे वाले में भी है, दिखाएं जरा। नॉन वेज भी है? नॉन वेज भी है। नहीं, अच्छा ये कौन से जी? नॉन वेज है जी। नॉन वेज है, और सिड्डू भी होते नॉन वेज? सिड्डू नॉन वेज नहीं। अगर अगर किसी ने कोई सिड्डू आए वेज खाने, तो ये आपके ये नॉन वेज के साथ एतराज़ नहीं करेगा वो? हाँ जी। अच्छा जी, तो बढ़िया। अच्छा ये कौन से जी? जो पहले दिखाए थे आपने। वाह जी धुएं पे धुआं उड़ा रहे हो आप। कितने की प्लेट है जी एक मोमोज की? हाफ फुल? फुल 80 की है, हाफ 40 की। और सिड्डू की? सिड्डू की 100 की है। तो खुद ही बनाते हैं आप ये सिड्डू? हाँ जी। तो कब शुरू करते हैं, कितने बजे शुरू करते हैं आप ये बनाना? सुबह करते हैं। सुबह करते हैं, तो मतलब कब तक? 2 घंटे में बन जाता? नहीं, सुबह लगते हैं 3-4 घंटे लग जाते। 3-4 घंटे इतने में तो जी बकरा बन जाता है? बहुत सारे मोमो बनाने पड़ते हैं। अच्छा टाइम लगता है जी? थोड़े थोड़े बनाने पड़ते हैं। तो फिर ये रात कब तक बैठते हैं आप? हम बैठते हैं 8-9 बजे तक। रात 8-9 बजे तक? और ये आप कह रहे हैं हम बस यही लेके आते हैं तीन? हाँ जी सिर्फ यही लेके आते हैं आप? तो ये सुबह से लेके शाम रात तक आप ये बिकते नहीं क्या? नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होगा, ज़्यादा होगा, आप छुपा रहे हैं? नहीं नहीं, 500-600 तो आप मोमोज बेचते ही होंगे, सिड्डू बेचते होंगे। हाँ जी 100-200। अच्छा 100-200, ठीक है जी, यानी बिक जाता है, ठीक है। अच्छा उनका भी योगदान है बीच में? अच्छा अच्छा, वो आप नहीं आए यहाँ पे है ना? अभी नहीं आए, शाम को। ठीक है जी। ये पीछे किस चीज का टेंपल है जी? ये कालचक्र टेंपल है। हाँ जी कालचक्र टेंपल। वाह जी शानदार, बहुत अच्छा जी, आप तो बड़ी अच्छी जगह में बैठे हैं है ना। तो ये मैंने देखा ये भाई साहब भी, आपका भी यही सेम काम है जी सभी का? वाह जी बहुत शानदार जी, बहुत अच्छी मार्केट है यार, बड़ी नीट एंड क्लीन साफ सुथरी मार्केट है, मज़ा आ गया जी आपसे बात करके मिलके। कोई और ख़ास बात बता दें जी, मसाले क्या बनाते हैं? हम भी बनाएंगे चंडीगढ़ में जाके सिड्डू खिलाएंगे हिमाचलियों को। सिंपल बनाते हैं, ड्राई फ्रूट इतना कुछ डाला हुआ आपने, अखरोट डाला है, और क्या डाला? अखरोट है, दाल है, ड्राई फ्रूट है। कभी अंग्रेज लोग भी आए आपके पास सिड्डू खाने? हाँ जी सब खाते। खाया है उन्होंने अंग्रेजों ने? क्या बोला उन्होंने फिर? अच्छा कि बेकार? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अच्छा जी ठीक है, आपका शुभ नाम क्या है? मैं भूल गया। लीला देवी। अच्छा अच्छा लीला देवी, बहुत बढ़िया जी। लीला जी आपने बड़ा कीमती समय दिया हमें, बहुत अच्छा लगा, और जैसे मेहनत कर रहे हैं ना आप, बहुत अच्छा लगा। हाँ इतने भीड़ भड़ाके में, इतने भीड़ भड़ाके में आप अकेले महिला दिखे मुझे, है ना? मैंने तब लिया आपका इंटरव्यू है ना, बाकी जेंट्स तो बहुत हैं। तो ये बता दें जैसे और भी लेडीज़ काम करना चाहती है लेकिन घर से निकलते नहीं, शर्माती हैं, दुनियादारी क्या बोलेगी, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, तो उनको बताएं क्या मैसेज देंगे आप? उनका मैसेज ये कि सब जन कमाएं, बाहर आके कमाएं, मिलजुल कर अपना परिवार की काम करना चाहिए है ना, काम में शर्म नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा जी, बड़ा कीमती समय दिया आपने, धन्यवाद। मकलोडगंज की तंकलियों में घूम रहे हैं हिमाचल प्रदेश शानदार। Call me what I think.